गते गते पार गते पारसम गते बोधि स्वाहा। मैंने वो यात्रा शुरू करी जो मन के पार जाने की यात्रा है। जब मैं उस यात्रा पे चलना शुरू करा तो धीरे धीरे जो है मन बहुत पीछे छूट गया और चलते 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 एक ऐसी स्थिति आई कि मैं सबके पार हो गया और मैं बुद्ध हो गया, बुद्धत्व घटा। गते गते पार गते पारसम गते बोधि स्वाहा। नमस्ते। आज का कार्ड जो है द कार्ड ऑफ कॉन्शियसनेस है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कार्ड ओशो ज़ेन्टारो का। एक ऐसी स्थिति जिसके बिना जो है बुद्धत्व नहीं घटता, जिसके बिना अध्यात्म की जगत में आपकी गति नहीं है। और कार्ड ऑफ कॉन्शियसनेस को हम कंपेयर कर रहे हैं एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ। एस ऑफ सॉर्ड्स को पहले थोड़ा समझ लेंगे। कंपैरिजन के तौर पे दोनों को जो है कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन कुछ ही एस्पेक्ट्स। एस ऑफ सॉर्ड्स जो कि राइडर वेट का कार्ड है, वो बात करता है एक ऐसी स्थिति की जहाँ पे आपको गिफ्ट मिला हुआ है इंटेलेक्ट का, एक इंटेलिजेंस का, एक क्लैरिटी का, कि चीज़ें बिल्कुल साफ हैं आपके लिए। ये जो बादलों में से जो एक हाथ आ रहा है, ये जो सॉर्ड आपको दी जा रही है, ये सिंबलाइज करता है कि ये एक ऐसा गिफ्ट है जो एक सीड फॉर्म में जो है आपको दिया जा रहा है, कि आपके भीतर जो है ये छुपी हुई इंटेलिजेंस है जिसके कारण जो है आप अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, साफ सुथरा बना सकते हैं, और उसमें जो है विचार करने की शक्ति है, और अपने जीवन को आप जिस तरह से जीना चाहते हैं उस तरह से जो है आप उसको जी सकते हैं। ये एस ऑफ सॉर्ड्स जो है हमें बताता है। तो आगे जब हम कॉन्शियसनेस की बात करेंगे तो आप इस कार्ड के साथ जो है कंपैरिजन कर पाएंगे कि कॉन्शियसनेस जो है क्या अर्थ रखती है और इंटेलेक्ट क्या अर्थ रखता है। कार्ड में जो है हम एक बुद्ध की फिगर को देख सकते हैं, और ये बुद्ध की मूर्ति कुछ ऐसी है, बुद्ध की इमेज कुछ ऐसी है जो फैलती जा रही है, जो इतनी बड़ी हो गई है, जो इतनी विराट हो गई है कि वो जो है बादलों को भी जो है पार कर गई है, जो कि एक बहुत अच्छा सिंबलाइजेशन है। सिंबलाइजेशन ये है कि जो बादल हैं वो विचारों के लिए स्टैंड करते हैं, लेकिन जब कॉन्शियसनेस जब आपके अंदर ग्रो करनी शुरू करती है तो आपके अंदर एक कैपेसिटी आ जाती है कि आप इन विचारों को हटा सकते हैं और इनके पार हो सकते हैं। पारसम गते बोधि स्वाहा। और एक बार जो है आपके भीतर जो है कॉन्शियसनेस की जो है घटना घटनी शुरू हो जाए, कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो दिन बर दिन जो है ग्रो करनी शुरू हो जाए, तो वो स्थिति जो है आपको बुद्धत्व की तरफ लेके जाती है। और वो स्थिति कुछ ऐसी है कि पहली बार जो है आप अपने मालिक हुए। अब तक जो था मन आपका मालिक था, अब तक मन आपको जो है चला रहा था, लेकिन अब जो है लगाम आपके हाथ में आ गई है। इसलिए हम भगवद गीता में देखते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो रथ को चला रहे हैं, रथ को संचालित कर रहे हैं, और अर्जुन जो है वो पीछे बैठा हुआ है। अर्जुन जो है एक मन की स्थिति है और कृष्ण जो है आत्मा की स्थिति है। कृष्ण जो है आपका असली होना है, कि आपके हाथ में लगाम होनी चाहिए, आपके हाथ में कंट्रोल होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। तो कार्ड ऑफ कॉन्शियसनेस जो है हमें उसी की बात करता है, उसी कंट्रोल की बात करता है। ये कंट्रोल आने का मतलब हुआ कि आपके भीतर जो है एक ब्रह्म की स्थिति घटनी शुरू होती है, एक ब्राह्मण की स्थिति घटनी शुरू होती है। ब्राह्मण वो नहीं है जो जन्म से ही जो ब्राह्मण हो जाए, कि अगर आप ब्राह्मण घर में पैदा हो रहे हैं तो आप ब्राह्मण हो गए, इतना आसान नहीं है, इतना सस्ता नहीं है। ब्राह्मण यानी ब्रह्म की चर्या, जो ब्रह्म को जीता है। और जब आप इस ब्राह्मण के मार्ग पे जब चलना शुरू होते हैं तो आपके भीतर जो बुद्ध की चेतना है, कृष्ण की चेतना है, जितने भी एनलाइटेंड लोगों की जो चेतना है, वो आपके भीतर जो है झलक देने लगती है। इस कार्ड का आने का मतलब हुआ कि आपके जीवन में जो है एक क्लैरिटी जो है आपके जीवन में आ रही है, कि चीज़ें जो हैं बिल्कुल साफ हो रखी हैं। सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा विचार कैसा है, सब कुछ जो है दिखता है। अब तक जो था विचार आपको चलाते थे, विचार जो है आपके साथ चिपक जाते थे, और विचार जो है आपको जो करने को कहते थे वो आप करते थे।
लेकिन अब पहली बार जो है एक डिस्क्रिमिनेशन आपके भीतर घटा, कि पहली बार जो है आपके भीतर एक चॉइस आई कि आप चूज कर पा रहे हैं कि अब आपको जो है वो काम करना है या नहीं करना, जिसका अर्थ हुआ कि अब आप अपने जीवन को उस ढंग से जी सकते हैं जिस ढंग से आप चाहते हैं। और गुरु ओशो जो हैं इस कार्ड के बारे में बोलते हैं कि आप जो है अननोन से आए थे और आपने जो है नोन में जो है कुछ समय जो है बिताया, और दोबारा से जो है आप अननोन में चले जाएंगे। वो कहते हैं कि शरीर जो है आता जाता रहता है, आसपास की सब चीज़ें जो हैं बदलती रहती हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी है कॉन्शियसनेस, आपका होश, आपकी चेतना, आपका जागरण, जो कि सदा के लिए है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, जो कि आपकी आत्मा है, जो कि आपका होना है। तो देखा जाए तो अध्यात्म की यात्रा कुछ ऐसी है कि हर क्षण जो है हम जो है और ज़्यादा हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं, हम अपने आप को जो है प्रकट किए जा रहे हैं, हम अपनी आत्मा को जो है उलीचे जा रहे हैं। हमारी आत्मा जो ढकी हुई है विचारों में, भावनाओं में और बहुत सारी चीज़ों के लेयर्स उसके ऊपर है, उसको जो है हटाना जब हम शुरू करते हैं तब जो है हमारी आत्मा जो है बाहर प्रकट होनी शुरू होती है। तो अध्यात्म के रास्ते के ऊपर चलने वाला व्यक्ति जो है उसके भीतर जो है इस तरह की झलकें आने लग जाती हैं। इसलिए जब तक कि बुद्धत्व नहीं घट जाता, जब तक कि आपके भीतर वो जागरण नहीं घट जाता, तब तक जो है आप इस शरीर के अंदर बार बार वापस आते रहेंगे, बार बार जो है इस सर्कल ऑफ लाइफ से गुजरेंगे। ये सर्कल तभी टूटता है, ये पैटर्न तभी टूटता है जब आपके भीतर जो है जो बुद्धत्व है वो घटना शुरू हो जाए। फिर वो ये भी बोलते हैं कि वो लाइफ जो है वो आखिरी होगी, कि वो जन्म जो है वो आखिरी होगा, कि एक बार आपने जो है अपने आप को जान लिया तो जीवन और मृत्यु के चक्रव्यूह से जो है आप बाहर हो जाते हैं। क्योंकि ये शरीर इसलिए मिला था ताकि आप जो है अपने डिज़ायर्स पूरे कर सकें, ताकि जो है आप अपने जो है सर्कल ऑफ लाइफ को जो है कंप्लीट कर सकें। लेकिन जैसे जैसे जो है आप अपनी लाइफ का जो सर्कल जैसे कंप्लीट करना शुरू करते हैं, वैसे वैसे जो है आप डिज़ायर से मुक्त होना शुरू हो जाते हैं, और वैसे वैसे जो है बुद्धत्व की जो घटना के करीब जो है आप आने लग जाते हैं। कॉन्शियसनेस की जो है तीन स्टेजेस हैं, एक है जागृति, दूसरा है स्वप्न और तीसरी है सुषुप्ति। जनरली जो है हम इन्हीं तीन स्टेजेस को जानते हैं, जागरण को, स्वप्न को और सुषुप्ति को। सुषुप्ति यानी जिसको हम ड्रीमलेस डीप स्लीप कहते हैं, कि जब हम बहुत गहरी नींद में सो जाते हैं जहाँ पे ड्रीम्स भी नहीं होती। ये तीन स्थितियाँ ऐसी हैं जो आप सभी ने एक्सपीरियंस करी है। सुषुप्ति की घटना कुछ ऐसी है जहाँ पे जो है आप अपने ईगो को पूरी तरह से भूल जाते हैं, आप ये भूल जाते हैं कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, स्त्री हैं या पुरुष हैं। वहाँ पे जो है आप बिल्कुल शून्य की स्थिति में आ जाते हैं। जब आप रात को सोते हैं तो रात के 3 से 5 बजे का समय कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पे जो है आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है गिरता है नीचे। बॉडी का टेम्परेचर गिरने का मतलब हुआ कि आप डीप स्लीप के अंदर जो है चले गए, जिसको हम सुषुप्ति कहते हैं। और उस स्थिति में स्वप्न भी नहीं होते, उस स्थिति में जो है कोई भी ड्रीम नहीं होता, आप एक तरह से जो है समाधि में होते हैं। और ये घटना कुछ ऐसी है जो आप सभी लोग एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि अगर ये घटना ना घटे तो अगले दिन जो है आप जो है काम करने लायक नहीं होते, आपका जो शरीर है वो रेडी नहीं होता। जब भी आप एक गहरी निद्रा से गुजर जाएंगे, जब एक गहरी सुषुप्ति से गुजर जाएंगे, तब आप जो है अपने आप को फ्रेश पाएंगे। आप देखेंगे दोबारा से आपके अंदर वो उत्साह है, जीवन के प्रति जो है लगाव है, जीवन को देखने की इच्छा है। दोबारा से आप देखेंगे आपके अंदर इतनी ऊर्जा है कि अब आप जीवन को जो है दोबारा से जी सकते हैं। हुआ क्या यहाँ पे? सिर्फ ये हुआ कि आप जो है दोबारा से परमात्मा को जो है आपने टच किया और वापस आए। जब आप ध्यान के साथ जुड़ना शुरू करते हैं, जब उसमें जो है गहरा जाना शुरू करते हैं, जब आपकी ध्यान की प्रैक्टिसेस जो हैं जब आपके भीतर जो है सेटल होनी शुरू हो जाती हैं, तब जो है आप सुषुप्ति के प्रति भी जो है अवेयर होना शुरू हो जाते हैं, कॉन्शियस होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जब आप गहरी निद्रा में हैं तो आपके भीतर कोई भीतर जागा हुआ है, कोई देख रहा है। अब ये स्थिति कुछ ऐसी है जो कि बहुत एक ब्यूटीफुल स्टेट है।
जो कि एक बहुत एक ब्लिसफुल स्टेट है। और अक्सर ये होता है कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो इसी पर अटक जाते हैं, इससे आगे नहीं जाते। तो गुरु ओशो कहते हैं कि एक और स्टेज है इसके बाद, जिसको हम तुरिया कहते हैं, जो इन तीन के पार है। वो स्थिति है बुद्धत्व की, कि जहाँ पे जो है आप इन तीनों के पार चले गए, कि जहाँ पे सिंपली जो है एक प्योर कॉन्शियसनेस है, कि सिंपली एक प्योर जागरण है। उस जागरण की अवस्था में, उस बुद्धत्व की अवस्था में आप स्वयं जो है परमात्मा हो गए। आप जो है उस जीवन और मरण के जो चक्रव्यूह से जो है उससे बाहर हो गए, अपने डिजायर से बाहर हो गए, अपनी इच्छाओं से मुक्त हो गए। इस कॉन्शियसनेस को जो है और एक ढंग से समझाया गया है कि जो आपका मन है वो एक बर्फ़ की तरह है, वो आइस की तरह है, और जो आपकी कॉन्शियसनेस है वो पानी की तरह है। और जब वो जो पानी जो है वो भाप बनता है, जब उसको अगर आप उबालें तो अगर वो भाप बन जाए, तो वो स्थिति जो है निर्वाण की स्थिति है, वो स्थिति जो है समाधि की स्थिति है, वो स्थिति जो है बुद्धत्व की स्थिति है। तो सारी स्थितियां जो हैं आपके भीतर बैठी हुई हैं, आपके अंदर वो सारे तत्व हैं। अभी हो सकता है आप जो है बर्फ़ के फॉर्म में हो, उस बर्फ़ को जो है पिघला के जो है पानी कर देना है, और पानी के बाद जो है उसको भाप कर देना है। बुद्ध वो हैं जो भाप बन गए, और जो संसार में जो बहुत ठोस ढंग से जो जी रहे हैं, जो संसारी जिनको हम कहते हैं, वो बर्फ़ की तरह हैं। जो अपना जीवन जो है प्रेम की तरह जी रहे हैं, वो एक कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं। और फाइनली जो कॉन्शियसनेस है वो ना मेल है ना फीमेल है, ना वो मैस्कुलिन है ना वो फेमिनिन है, वो सिर्फ एक स्थिति है जागरण की। और जागरण में जो है आप जो है इस मेल और फीमेल के जो है पार हो जाते हैं, पारसम गते बोधि स्वाहा। तो इससे रिलेटेड एक स्टोरी जो है छोटी सी मैं कहना चाहूँगा आपसे। ये स्टोरी है राबिया की। राबिया जो है एक सूफी संत रही हैं। एक दिन राबिया के घर जो है हसन ठहरे थे, वो भी सूफी परंपरा से जुड़े हुए हैं। सुबह सुबह का वक्त था, ठंडी ठंडी हवा चलती थी, धूप निकली थी, पक्षियों की आवाज़ें थी, बहुत एक सुंदर एक अनुभव जो है बाहर दिखता था। तो हसन जो है झोपड़ी के बाहर था, वो ये सब कुछ देख रहा था और अपने आप में बहुत इंजॉय कर रहा था। उसने जो है राबिया को आवाज़ दी, झोपड़ी में क्या कर रही है, बाहर निकल, देख परमात्मा का इतना सुंदर सूरज निकला है, देख परमात्मा ने कितनी सुंदर जो है सुबह जो है खिलाई है। हसन ने सोचा नहीं था कि राबिया क्या कहेगी। राबिया जो है खिलखिला के हंस पड़ी। राबिया ने कहा कि हसन तू ही भीतर आ जा, तू जिस सुबह को देख रहा है उसका आनंद ले रहा है, मैं उसको देख रही हूँ जिसने ये सब कुछ बनाया है। हसन तू ही भीतर आ जा। तो इस कहानी के ज़रिए आप लोगों को भी एक इनविटेशन है कि आप भी अपने भीतर जाइए। बाहर बहुत सुंदर है, सब कुछ बहुत सुंदर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सुंदर जो है वो है जिसने ये सब कुछ बनाया है। उसको एक बार जान लिया, उसके साथ अगर जो है अगर आपकी कॉन्शियसनेस जुड़ गई, उसके साथ अगर आपका जागरण जुड़ गया, तो आपका जीवन जो है हर दिन जो है खिलता चला जाएगा। तो इस वीडियो का मैं यहीं अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।